नमस्कार दोस्तों, 23 दिसंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। पहले जो न्यूज़ आई है वो आई है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में। आज इसके बारे में आर्टिकल भी आया है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, जिसको हम कवर है वो कर लेते हैं। न्यूज़ क्या है पहले तो हम देखते हैं। न्यूज़ अभी आई है कि वेस्ट बंगाल और केरला गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए जो प्रक्रिया है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, यानी कि वो इसको अवॉइड करने की बात है वो कह रहे हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हुआ क्या। देखो, हमारे देश में जो भी रेजिडेंट है, मतलब जो भी यहाँ आवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनका एक रजिस्टर है। इसमें रिकॉर्ड है कि कौन कितने लोग कहाँ है जो रह रहे हैं। मतलब जिस तरीके से आपको बताया कि जनगणना होती है हर 10 साल में, तो 2011 में जनगणना हुई थी, अभी 2020-21 में होने वाली है। तो उस जनगणना के दौरान ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के थ्रू जनगण एक तरीके से रिकॉर्ड है वो तैयार किया जाता है। मतलब जो पर्सन एक तरीके से जनगणना करने आता है वही अपने साथ एक रजिस्टर और रखता है, जिसमें इस चीज़ पर फोकस किया जाता है कि भाई जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आवास कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि रेजिडेंट है वो कौन होता है। देखो, यूजुअल रेजिडेंट का मतलब वो होता है कि वो पर्सन जो कि कोई भी एरिया में 6 महीने से रह रहा है कम से कम, या फिर 6 महीने से ज़्यादा टाइम और का हो। जैसे कि मान लो कोई भी आदमी है इंडिया का, कोई भी पर्सन हो जो कि किसी एरिया में 5 साल से रह रहा हो या 6 महीनों से रह रहा हो कम से कम, और आगे भी 6 महीने कम से कम रहने वाला हो, उस पर्सन को इंडिया में रेजिडेंस के तौर पर माना है वो जाता है। मतलब वो वहाँ का एक रेजिडेंस है, वहाँ का रहने वाला है। ये है रेजिडेंट की डेफिनेशन, तो एक तो ये आप ध्यान में रखना। ये रजिस्टर क्यों तैयार किया जा रहा है? देखो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि हमें पता चले कि हमारे देश में जो जनता है वो कहाँ रह रही है, कितनी उनकी संख्या, एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है गवर्नमेंट को मिल सके। इसके लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है वो तैयार किया जा रहा है। इसमें हमारे देश में जो भी आवासीय लोग हैं जो कि रह रहे हैं किसी भी एरिया में, उनका सारा रिकॉर्ड है वो रखा जाएगा। तो अभी इसको लेके थोड़ी कॉन्ट्रावर्सी है कि वेस्ट बंगाल और केरला गवर्नमेंट ही कह रही हैं कि भाई वो गवर्नमेंट है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के नाम पे एनआरसी को इंप्लीमेंट करना चाह रही है। मतलब एनआरसी को सीधे तो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर नहीं पा रही है, इसलिए उसने एक बैक मतलब बैकडोर निकाला है कि भाई हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के थ्रू सारे रिकॉर्ड रखते हैं और फिर कुछ कम्युनिटी के लोगों को बाहर वगैरह निकाल देंगे। तो इस तरह की कुछ अफवाहें हैं वो फैल रही हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है वो एक रजिस्टर है जो कि हमारे देश के जो भी रेजिडेंट हैं उनका एक रिकॉर्ड है एक तरीके का। इसको तैयार किया जाएगा लोकल लेवल पे, गांव हुए, जो छोटे टाउन वगैरह हुए, सब डिस्ट्रिक्ट वगैरह हुए, डिस्ट्रिक्ट हुए, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे इसको तैयार है वो किया जाएगा। देखो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए एक प्रोविजन भी, एक एक्ट भी बनाया गया, जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955, और एक है सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल 2003। तो इसके तहत नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है वो तैयार है वो किया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखना कि इसके अंदर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को तैयार करने की बात है वो भी आ रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे देश में जो भी रेजिडेंट मतलब जो भी यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपने नाम है वो इस रजिस्टर में रिकॉर्ड है वो जरूर करवाएं। तो रिकॉर्ड में रजिस्टर में दर्ज करवाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। जब जनगणना के जो पर्सन आएंगे अगले साल, आई थिंक अप्रैल में जनगणना स्टार्ट होने वाली है, तो उस दौरान वही पर्सन घर आके डाटा है वो कलेक्ट कर लेंगे और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को तैयार है वो किया जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नाफ्टा के बारे में। देखो, न्यूज़ ये आई है कि नाफ्टा का एक सेकेंड वर्जन था 2.0, तो उसी को लेके अभी यूएसए और मेक्सिको के बीच में कुछ बातचीत की मतलब इश्यूज़ वगैरह वो सामने चल रहे हैं। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि नाफ्टा है क्या। नाफ्टा देखो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। नाफ्टा का मतलब है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। कौन कौन सी कंट्रीज? यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, मतलब तीन कंट्रीज़ के बीच में यह एग्रीमेंट है। यूएसए प्लस कनाडा प्लस मेक्सिको, इन तीन कंट्रीज़ के आपस बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको ही इस बात यहाँ पे की गई है। देखो, ध्यान रखना कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आया था वो था यूरोपियन यूनियन के बीच में। जो यूरोपियन यूनियन है उसके बीच में पहली बार जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात आई थी वो आई थी 1993 में, और नाफ्टा था ये एक्टिव फॉर्म में आया था 1994 में। तो ये दो तीन छोटे मोटे फैक्ट हैं, ये ध्यान रखना। बाकी ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई क्या क्या नेगोशिएशन वगैरह है, ये बस इतना पता हो कि सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन सा आया था, क्या क्या इसकी नेगोशिएशन वगैरह चल रही हैं।
नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ यहाँ पे फ्यूचर स्किल्स के बारे में, कंटेक्स्ट न्यूज़ ये आई है कि विप्रो जो कि हमारे देश की एक इंपॉर्टेंट आईटी कंपनी भी है, उसने अभी नेस्कॉम के साथ पार्टनरशिप की है। नेस्कॉम क्या है? नेस्कॉम का मतलब है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। देखो नेस्कॉम है वो एक ग्रुप है, हमारे देश में जो भी सॉफ्टवेयर और सर्विस कंपनीज हैं, जैसे कि हम बात करें TCS हो गई, इसके साथ ही इन्फोसिस हो गई, तो इस तरीके की काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि सॉफ्टवेयर तैयार करती हैं और सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, इन कंपनीज का एक ग्रुप है जिसका नाम है नेस्कॉम, जो कि किस किस एरिया में है ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, सर्विस कंपनीज हैं, और उनका एक ट्रेड एसोसिएशन बनाया गया है आईटी सेक्टर की सारी कंपनीज हैं उनका। इसको सेटअप किया गया था 1988 में। यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तरीके का एनजीओ है, यह कुछ फैक्ट यूपीएससी पूछ सकती है। इसमें लगभग दे रखा है कि यहाँ पे 10,000 के आसपास कंपनीज हैं वो नेस्कॉम में रजिस्टर हैं, वो की गई हैं। तो खैर ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट पता होना चाहिए कि नेस्कॉम है क्या। न्यूज़ क्या थी कि विप्रो कंपनी ने भी नेस्कॉम के साथ एक एग्रीमेंट या टाइप साइन किया है कि भाई वो लोगों को स्किल प्रोवाइड करवाएगी, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिसका नाम है फ्यूचर स्किल। तो इस प्लेटफॉर्म के तहत क्या होगा, हमारे देश में लगभग 10,000 स्टूडेंट को जो कि लगभग सिलेक्ट किया जाएंगे, 20 हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ से, उनको स्किल है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। देखो अभी हमारे देश में जो हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। उसके पीछे रीज़न ये कि है कि कॉलेजों में जो पढ़ाई करवाई जा रही है और इंडस्ट्री को जिस पढ़ाई की डिमांड है या जिस क्वालिटी की डिमांड है, उनमें काफ़ी डिफरेंस है। मतलब जिस स्किल की हम सिंपल वे में बात करें तो जिस स्किल की इंडस्ट्री को ज़रूरत है ना, वो स्किल कॉलेज में दी ही नहीं जा रही है, इसीलिए अनस्किल लेबर वो हमारे देश में बढ़ती जा रही है। तो इसी को रोकने के लिए फ्यूचर स्किल प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है कि भाई जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट पास आउट होंगे उनको स्किल प्रोवाइड करवाई जाएगी लगभग 10,000 स्टूडेंटों को, ताकि वो कंपनीज में काम है वो कर सके जैसे ही जिसमें मुताबिक उनको काम की ज़रूरत है। मतलब आज के टाइम पे देखो कंपनीज में अलग अलग तरीके के काम की ज़रूरत होती है, जैसे हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, इसके साथ ही रोबोटिक्स हुआ, एरोस्पेस, जो काफ़ी आज के आप सकते हो काफ़ी एडवांस एरिया है, इन स्किल की काफ़ी ज़रूरत है। तो लोगों को ऐसी स्किल है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, लोगों का मतलब या आपके स्टूडेंट की बात है वो की जा रही है। देखो जो फ्यूचर स्किल ये प्रोग्राम है ना, ये विप्रो ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत स्टार्ट किया है। विप्रो का जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम आपने सुना होगा CSR, तो जो विप्रो का कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम है इसका नाम है टैलेंट नेक्स्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यूपीएससी पूछ सकती है। टैलेंट नेक्स्ट का काम क्या है? इसका काम यही है कि क्वालिटी ऑफ जो इंजीनियरिंग एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जा सके स्टूडेंट को, इसके ऊपर फोकस है वो रहता है। बाकी अगर हम और न्यूज़ की बात करें तो मैंने आपको बताया कि फ्यूचर स्किल है क्या, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि इंडस्ट्री और एकेडमी के बीच में जो भी स्किल का गैप है इसको फुलफिल करेगा, स्टूडेंट को स्किल प्रोवाइड करेगा जैसी इंडस्ट्री को जरूरत होती है, ताकि इंडस्ट्री है वो स्टूडेंटों की डिमांड को मैनेज है वो कर सकें। कौन कौन से एरिया में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इस तरह की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इनकी स्किल है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यूरोपियन ग्रीन डील के बारे में। देखो अभी क्या हुआ था, मैड्रिड में क्लाइमेट की बातचीत है वो, क्योंकि मैड्रिड एक सिटी है, कहाँ पे है ये, यूरोप में है, ये ध्यान रखना, वहाँ पे भी क्लाइमेट को लेकर एक टॉक है, बातचीत है वो हुई थी, जो कि हर साल एनुअली बातचीत की जाती है। तो इस बातचीत में ये चीज़ सामने निकल के आई कि भाई क्लाइमेट चेंज काफ़ी रेपिडली से हो रहा है, तो सभी कंट्रीज़ को कोई ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है वो है। तो यूरोपियन यूनियन ने अभी एक अनाउंस किया है कि भाई हम क्या करेंगे, 2050 तक यूरोपियन यूनियन को कार्बन न्यूट्रल कंट्री है वो बना देंगे, क्लाइमेट न्यूट्रल को हम डिस्कस करेंगे, बट इसके बारे में पहले एक दो फैक्ट है वो देख लेते हैं। मतलब उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि ये बाइंडिंग है, मतलब वो मैंडेटरी रूप से या कंपल्सरी रूप से 2050 तक सभी कंट्रीज़ को, जो भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, यानी कि यूरोपियन यूनियन के जितनी भी कंट्री मेंबर हैं वो कंट्री 2050 तक अपने आप को क्लाइमेट न्यूट्रल डिक्लेयर है वो कर देंगी, और इसके लिए वो अफोर्ड भी लेने वाली है, प्रयास भी करने वाली है। ऐसी बात नहीं केवल डॉक्यूमेंट्स में अनाउंस किया जाएगा, इसके लिए वो एक्शन भी लेने को तैयार है। अब बात ये कि भाई क्लाइमेट न्यूट्रल क्या है, देखो क्लाइमेट न्यूट्रल का मतलब सबसे ज़्यादा ये है कि जितना वो एमिशन करने वाले हैं ना उसी एमिशन को वो मैनेज भी करेंगे। जैसे सिंपल वे में आपको बोलूँ, ये मान लो कि यूरोपियन यूनियन एक साल में, एग्जांपल ले रहा है सिर्फ, 100 किलो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एमिट कर रहा है। अब होगा क्या अगर उनको न्यूट्रल क्लाइमेट न्यूट्रल डिक्लेयर करना है अपने आप को, इसका मतलब अगर उन्होंने 100 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया है एनवायरनमेंट में, तो उन्हें ऐसी मैकेनिज्म भी लानी है, उन्हें ये भी काम करना है कि 100 किलो जो CO2 है इसको मैनेज भी कर सकें। मतलब
कहीं ना कहीं उनको फॉरेस्ट लगाने होंगे ताकि वो फॉरेस्ट 100 किलो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको एब्जॉर्ब कर सकें, या फिर उन्हें कार्बन जो कैप्चरिंग और जो स्टोरेज की टेक्निक है इसके ऊपर फोकस करना होगा, कार्बन सिंक जो फॉरेस्ट है इनके ऊपर फोकस करना होगा। यानी कि जितना एमिशन वो करेंगे ना उसी एमिशन को वो वापस मैनेज भी कर देंगे ताकि इन्वायरमेंट में उतना एमिशन ना रह सके। इसे कहते हैं क्लाइमेट न्यूट्रल। तो ये यूपीएससी पूछ सकते हैं कि क्लाइमेट न्यूट्रल का मतलब है वो क्या होता है, कि कंट्री का जितना एमिशन है ना उसको बैलेंस किया जाएगा वापस से एब्जॉर्ब करके, वापस में जो रिमूवल जो भी रिमूवल वाली रिन्यूएबल सॉरी जो ग्रीन हाउस गैस है इनको एटमोसफेयर से वापस से रिमूव है एब्जॉर्ब है वो किया जाएगा, मतलब जितनी गैस उन्होंने इन्वायरमेंट में छोड़ी है उनको वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसको कहते हैं क्लाइमेट न्यूट्रल। तो ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इको नेटवर्क के बारे में। देखो इको गवर्नमेंट है, न्यूज़ ये आई है कि भी इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक नेटवर्क तैयार की है जिसका नाम है इको नेटवर्क। ये क्या नेटवर्क है, किस काम पर करेगा वो हम देखते हैं। देखो आपको पता है कि इन्वायरमेंट को लेकर क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी सारी बातें तो होती हैं बट उनको एक्टिव फॉर्म में नहीं लाया जाता। इन्वायरमेंट और क्लाइमेट को लेकर रिसर्च भी काफ़ी कम की जाती है क्योंकि कोई भी कंट्री इस पर फोकस है वो ज़्यादा नहीं करना चाहती, क्योंकि सोचते हैं कि अगर क्लाइमेट और जो इन्वायरमेंट है वो एक कंट्री की जिम्मेदारी तो है नहीं, सभी की जिम्मेदारी है, तो जब तक सभी एक्शन नहीं ले रहे तब तक हम एक्शन क्यों लें, ऐसी ऐसी बातें चलती हैं। तो अभी क्या हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की इंडस्ट्री और जो भी इंडिया के अच्छे साइंटिस्ट वगैरह हैं उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है इको नेटवर्क। ये इनिशिएटिव क्या करेगा कि जो भी इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट का जो भी नॉलेज है इसके लेके जो भी हमारे देश के मतलब रिसर्चर्स वगैरह हैं जो कि इन्वायरमेंट संबंधी स्टडी करना चाहते हैं उनको जिस भी नॉलेज की जरूरत है, जिस भी तरह की स्टडी या कोई भी इन्होंने हेल्प चाहिए हो वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। मतलब एक तरीके से हमारे देश में इन्वायरमेंट को लेकर रिसर्च प्रोवाइड रिसर्च करने के लिए जो डाटा है इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस है वो दी जाएगी इको नेटवर्क के थ्रू। तो ये ध्यान रखना इको नेटवर्क है क्या, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इसमें सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये थी आज की हमारी डिस्कशन। अब हम कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने पहले एग्जाम में पूछे हुए मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। क्वेश्चन ये है कि विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट। आपके सामने यहाँ पे चार एक्ट दिए गए हैं और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा इनमें जो एक्ट है जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे फोकस है वो करता है। पहला है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, सेकेंड है माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, थर्ड है कस्टम एक्ट 1962 और फोर्थ है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1997। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे फोकस है वो करता है, उससे रिलेवेंट है। देखो यहाँ पे पूछा गया है रिलेवेंट की बात, तो देखो इसका आंसर है वो यहाँ पे है सी। चारों के चारों ही जो एक्ट हैं उन एक्ट में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में फोकस है वो किया हुआ है, मतलब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट है वो बनाए गए हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रिसेंटली ऑयल जेपर जो वर्ड है वो न्यूज़ में था, क्या ये? तो आई होप आपको इसका आंसर है वो पता होगा। देखो ऑयल जेपर है वो क्या है, ऑयल जेपर एक बैक्टीरिया है, आपको बता दूं। ये बैक्टीरिया क्या करता है, कहीं भी समुद्र में जैसे ऑयल स्प्लिट हो, ये मान लो कि ये समुद्र है इसके इस एरिया में ऑयल स्प्लिट है वो हो गया, टैंकर वगैरह एक्सीडेंट हो गया जो भी कुछ हो गया तो यहाँ पे ऑयल फैल गया, तो इन जो ऑयल जिपर बैक्टीरिया है इनको इस एरिया में छोड़ दिया जाएगा। तो ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया यहाँ पे जो भी ऑयल है ना इसको डिकम्पोज कर देंगे, ये काम करेंगे ऑयल जिपर बैक्टीरिया। तो यह एक तरीके की इको फ्रेंडली टेक्निक है जो क्या करती है ऑयल स्लेज और जो ऑयल स्पिल होता है उसको उपचार या उसको मतलब कंट्रोल है वो करती है। तो इसका आंसर है वो ए होगा। ये थी आज की हमारी डिस्कशन। अब हम जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में जाना, फिर हमने जो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको डिस्कस किया, फिर हमने फ्यूचर स्किल इनिशिएटिव के बारे में जाना कि जो कि विप्रो और नेस्कॉम का एक इनिशिएटिव है, साथ ही हमने जो फ्यूचर स्किल इनिशिएटिव और नेस्कॉम को एक एक करके पॉइंट है वो कवर किए, फिर हमने जो यूरोपियन ग्रीन डील है इसके बारे में डिस्कस किया, साथ हमने इको नेटवर्क के बारे में कवर किया। ये थी आज की मेरी डिस्कशन। तो फिलहाल इतना ही, तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।